ये पेड़ कम से कम आई थिंक 70-80 ईयर्स पुराने पेड़ है, इनकी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हो ना, आप ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको पेड़ों से प्यार ना हो, तो तब पेड़ लगाना शुरू कर देना चाहिए था, शायद हमें विश्वास हो जाता। डेवलपमेंट होनी चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। चंडीगढ़ के मास्टर प्लान में 2031 में फ्लाईओवर का कोई जिक्र ही नहीं है। पेड़ कटना गवारा नहीं था, दैट इज सिंपल। मैंने अगर आवाज़ उठाई है, अगर 10 लोग और आवाज़ उठाएंगे तो फर्क तो आएगा ही आएगा। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. हर तरफ विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों को काटने की दौड़ लगी हुई है। चंडीगढ़, जो कि द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, यहाँ भी एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 500 पेड़ों को काटने की बात सामने आई। मगर ये बात पवीला बाली को गवारा नहीं थी। उन्होंने आवाज़ उठाई और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। पवीला बाली चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं। उनका मानना है कि चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों को पेड़ों से प्यार ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रिब्यून फ्लाईओवर की बात चली थी पिछले साल, तब तक कोई ऐसी बात नहीं आई थी सामने कि पेड़ कटेंगे, कितने कटेंगे, प्लान क्या है। बट इस साल जब मार्च अप्रैल में पेपर्स में मैंने पढ़ा कि इतने पेड़ कट रहे हैं, 700 पेड़ कट रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, और फ्लाईओवर किस लिए बन रहा है, टू डी कंजेस्ट ट्रैफिक विच इज़ कमिंग इन टू चंडीगढ़। 500 पेड़ कटना कोई छोटी बात नहीं है। डेवलपमेंट होनी चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। चंडीगढ़ में फ्लाईओवर को ला के इनफैक्ट वो ट्रैफिक चंडीगढ़ में और आ जाता, जो मेरी समझ में ये बात थी। बाकी प्लानिंग क्या थी मुझे नहीं पता। सबसे बड़ा जो दुख मुझे लगा था कि पेड़ कटने वाले थे, और ये पेड़ कम से कम आई थिंक 70-80 ईयर्स पुराने पेड़ है, इनकी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगर वो ये बोल भी रहे थे कि हम एक पेड़ की जगह 3 पेड़ या 5 पेड़ लगाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट 2018 में इन्होंने फ्लोट कर दिया था, तो तब पेड़ लगाना शुरू कर देना चाहिए था, शायद हमें विश्वास हो जाता कि ये कुछ लगाएंगे। एक साल से ज़्यादा ऊपर हो गया, पेड़ एक भी नहीं लगा। और चंडीगढ़ के मास्टर प्लान में 2031 में फ्लाईओवर का कोई जिक्र ही नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के पास या जो भी प्लानिंग कमेटी थी, उनके पास कोई क्लियरेंसेज नहीं थे फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट टू मेक अ फ्लाईओवर। सो किसी ने तो कुछ करना ही था। हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, और चंडीगढ़ में 700 पेड़ कटना बहुत दिल दहला देने वाली बात थी। इसको तो रोकना ही था, बिकॉज आज की डेट में सबको ये था कि पेड़ बचने चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हो ना, आप ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको पेड़ों से प्यार ना हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो और इतनी बड़ी चौड़ी रोड है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे ट्रैफिक ईज करने के लिए, दे कैन टेक आउट सम रूल्स, लाइक ट्रक्स शुड नॉट बी, दिल्ली में ट्रक्स अलाउड नहीं है दिन भर में, दैट कैन बी डन इन चंडीगढ़ ऑल्सो। जैसे दिल्ली में रिंग रोड बना हुआ है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, बट ट्रैफिक कैन बी रीडायरेक्टेड टू द प्लेसेज फ्रॉम आउटसाइड इट्सेल्फ रादर देन कमिंग टू चंडीगढ़। आई डोंट अंडरस्टैंड द नीटिग्रिटीज, बट पेड़ कटना गवारा नहीं था, दैट इज सिंपल। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, फिर हॉस्टल चली गई पढ़ने के लिए, तो जब भी वापस आती थी तो आई वुड टेल माय फादर कि इतना ढेर क्यों पड़ा हुआ हर जगह कचरे का। तब जो होता था, कभी किसी को बोल के उठवा देते थे, बट वो सोल्यूशन नहीं था, है ना। अपने आप तो हम बोल के उठवा देते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एज यू ग्रू ओल्डर द प्रॉब्लम्स इंक्रीज्ड। आई गॉट मैरिड एंड केम टू चंडीगढ़। मैंने अगर आवाज़ उठाई है, अगर 10 लोग और आवाज़ उठाएंगे, तो फ़र्क तो आएगा ही आएगा। और कुछ आज का नहीं है, हमने तो पीएल अप्रैल में डाल दी थी, तो जब अप्रैल में पीएल डाल दी थी तो विदाउट परमिशंस या विदाउट लेटिंग पीपल नो दैट पेड़ कटने वाले हैं या ट्रांसप्लांट होने वाले हैं या अप्रूव भी करने वाले हैं, विदाउट परमिशंस होना नहीं चाहिए था। यही नहीं, प्लास्टिक से पर्यावरण को पहुँचने वाले नुकसान को पवीला बाली ने बाखूबी समझा है, और इसीलिए उन्होंने घर से निकल कर लोगों को जागरूक करना शुरू किया। 2 साल पहले रन क्लब नाम की एक एनजीओ बनाई और जॉगिंग करते करते जहाँ भी कूड़ा और प्लास्टिक दिखता उसे उठाती रही। पवीला कहती हैं कि उन्होंने काफ़ी समय से अपने घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंका, क्योंकि उनके लिए कूड़ा कूड़ा नहीं बल्कि एक फ़ायदेमंद खाद है। एक साल हो गया हमें, एक साल हो गया, और ये कंपोस्ट होता तो अपने आप ही नीचे हो रहा है। अच्छा, अभी आपको कोई ऊपर से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ये भी चीज़ सारी ऐसे हो जाएगी। हमारा घर काफ़ी बिजी है, बच्चे आते हैं, उनके दोस्त आते हैं, किचन 24 आवर्स ऑलमोस्ट चल रहा होता है,
सो जो वेट वेस्ट है काफ़ी निकलता था. मैंने कैलकुलेट किया कि महीने में हमारे घर से ऑलमोस्ट 400 किलोज वेट वेस्ट निकल जाता है. अगर मेरे घर से इतना निकलेगा तो आप सोचो पूरे चंडीगढ़ से कितना निकलेगा. सो देन आई थॉट कि हम इसको कंपोस्ट कर लेते हैं. तो मई लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट आई डोंट थिंक हमने वेट वेस्ट दिया है. काफ़ी अच्छा कंपोस्ट बनता है हमारा एंड उसी से हमारा सारा जो लॉन है और मैंने वो लगाए हुए वेजिटेबल बेड्स लगाए हुए हैं उस पर भी यूज़ होता है. जो एक्सेस होता है वैसे ही डाल देते हैं आजू बाजू लॉन्स में डाल देते हैं. बट वेट वेस्ट तो हमने लास्ट ईयर मई से नहीं दिया है. सो आई हमने अर्दन पॉट्स में कंपोस्ट करते हैं. उसमें क्या है कि स्मेल नहीं आती है और बड़े आराम से अच्छे से हो जाता है. एक पॉट में आई थिंक 25 डेज का वेट वेस्ट आ जाता है. सो जब तक हमारा ये वाला भर जाता है तो दूसरा पॉट तैयार हो जाता है डालने के लिए. ऐसे करके आई थिंक हमारा पूरा महीना आराम से निकल जाता है. 4-5 मंथ्स तो आराम से निकल जाते हैं विद वन गो. कंपोस्टिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. आप या तो ज़मीन के अंदर भी कर सकते हो. उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उसमें रोडेंट्स आ जाते हैं, रैट्स वगैरह आ जाती है और उसमें स्मेल थोड़ी ज़्यादा आती है. अगर आप उसको कंटेन्ड एक पॉट में करोगे उसमें स्मेल नहीं आती है और अच्छी तरीके से होता है. कोई मुश्किल काम नहीं. आप एक दिन आप एवरी टाइम का जो आपके किचन का सुबह का कूड़ा है उसको पॉट में डालिए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा कंपोस्ट मटेरियल डालिए. आपको मिल जाता है किसी भी शॉप पे मिल जाता है, मंडी पे मिल जाता है. यू गेट दिस लकड़ी का बुरादा मिलता है या लीव्स डाल दो उसके ऊपर, उसको कवर कर दो. फिर जो दोपहर का है फिर उसके ऊपर डाल दो. फिर यू कैन पुट दैट बुरादा, फिर यू कैन पुट लीव्स. कंपोस्ट करने के लिए आप लीव्स भी डाल सकते हो जो नीचे गिरे हुए हैं. ऐसे करके आप अपने दिन का जो ब्रेकफास्ट या लंच और डिनर का है डाल दीजिए. इट इज़ वेरी सिंपल एंड बाय द टाइम आप अगले दिन आते हो वो ऑलरेडी 50% नीचे हो गया होता है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल टू कंपोस्ट. एंड मेरे को लगता है कि कंपोस्टिंग शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर एवरी हाउस होल्ड इन चंडीगढ़.